कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस गरीब और गरीबी दोनों का भद्दा उपहास करती है। उसका मकसद गरीबी या गरीबों को हटाना नहीं है। गरीबी हटाने के बहाने देश के साथ अब तक कांग्रेस ने सिर्फ धोखा किया है, इसलिए उसके मिनिमम आय के झांसे में ना आए। मिनिमम आय का झांसा देने वालों ने अब तक देश के गरीबों को कैसे गुमराह किया, जरा देखिए। देश में गरीब की परिभाषा आज तक तय नहीं कर पाए। सुरेश तेंदुलकर कमिटी ने कहा था, शहरों में प्रतिदिन 33 रुपए से कम खर्च करने वाला गरीब है और ग्रामीण इलाकों में 27 रुपए से कम खर्च करने वाला गरीब माना जाएगा। 2012 में सी रंगराजन समिति ने कहा, शहर में प्रतिदिन 47 रुपए से कम खर्च करने वाला और ग्रामीण इलाके में 32 रुपए से कम खर्च करने वाला गरीब है। 2012-13 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार के दौर में योजना आयोग ने क्या कहा था, याद है ना? शहर में 32 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी के नाम पर सिर्फ पाखंड किया। संजय गांधी की हिटलर शाही भी याद होगी आपको, जब गरीबी हटाने के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई। कितना भ्रम फैलाया कांग्रेस ने। देश की सत्ता पर लंबे वक्त तक रहने के बाद भी ना तो गरीबों का सही आंकड़ा जुटा पाई और ना ही गरीब को परिभाषित कर पाई। राहुल गांधी एक बार फिर आपकी नजरों के साथ ऐसा ही धोखा करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं, ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। अब आइए मुद्दे पर। सरकारी आंकड़ों का हवाला देकर इंडिया स्पेंड्स की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 176 मिलियन लोग गरीब हैं, यानी 17 करोड़ से ज्यादा। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक देश में 20% लोग गरीब हैं, यानी 130 करोड़ की आबादी में 26 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस गरीबी के आंकड़े पर गुमराह कर रही है। क्या ये इतना आसान है कि देश में 26 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए दिया जा सके? इसके लिए सालाना 3.6 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा, यानी बजट का 13% हिस्सा। नुकसान, इससे राजस्व घाटा बढ़ 8.2 लाख करोड़ हो जाएगा, मतलब जीडीपी का 4% राजस्व घाटा 3.4 से बढ़कर 5.1 तक भी जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर भयंकर बोझ बढ़ेगा, इसका असर जीडीपी पर पड़ेगा। 7 के ऊपर रहने वाली जीडीपी 5% के नीचे जा सकती है। अभी हर साल सरकार 5.34 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में डाल रही है, मतलब देश के 20% गरीब परिवारों को औसतन 1 लाख रुपए सालाना मिल रहा है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ 72,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं।
तो क्या कांग्रेस की नजर देश के गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी पर है? क्या कांग्रेस की सरकार आते ही गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी छीन ली जाएगी? 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम उसको टॉप अप करेगी। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। राहुल गांधी मिनिमम आय का नारा देकर मैक्सिमम वोट तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी एक और कड़वी सच्चाई है। अभी देश में न्यूनतम मजदूरी 176 रुपए प्रतिदिन है, यानी महीने के 5,280 रुपए। क्या इसका पालन ठीक ठीक हो पाया? जवाब होगा नहीं। ऐसे में राहुल गांधी का न्यूनतम आय गारंटी सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है। न्यूनतम आय योजना उसका नाम है। उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शॉक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को
पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा, 20% परिवारों को, 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को।